हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर प्रोटोन। चलिए आज बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड कुछ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल गुरुजी देन एल्विश यादव, फिर मनोज डे, और फिर बात करते हैं अर्शदीप से रिलेटेड कुछ ट्वीट्स की। जैसा कि आपको पता कि कल 7 सितंबर को एप्पल का इवेंट होने वाला, जहां आईफोन 14 से रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। वही टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी ने इसको लेकर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि गाइस, आई एम ऑल सेट फॉर द एप्पल इवेंट। 2 साल बाद एक बार वापस से फिजिकल लॉन्च हो रहा है। अगेन आई एम गोइंग टू एप्पल पार्क इन कुपर्टिनो। बहुत मजा आएगा, स्टे ट्यून्ड। चले नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं मनोज डे से रिलेटेड। तो मनोज डे के कुछ वीडियो सामने आए हैं, नेक्स्ट लेवल मीटअप लव फ्रॉम अपना झारखंड। तो झारखंड में कोई इवेंट हुआ था, तो वहाँ उनको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया था, तो वहाँ कितनी भीड़ थी ये आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, गजब की भीड़ थी। तो वही मनोज डे ने इसको लेकर रिएक्शन किया कि नेक्स्ट लेवल मीटअप लव फ्रॉम अपना झारखंड। तो देख लीजिए आप कितनी भीड़ थी इस इवेंट। पहले बात करते हैं एल्विश यादव से रिलेटेड न्यू अपडेट की। एल्विश यादव ने रिसेंटली अपना एक व्लॉग बनाया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर, जहां उन्होंने क्लेम किया कि अर्शदीप के कारण मैच हारा इंडिया। वैसे वो व्लॉग था तो वहां रियल टाइम रिएक्शन इन्होंने शो किया था अपना, तो इसको लेकर उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ा। लोगों ने काफी कमेंट किए कि नहीं, अर्शदीप के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसको लेकर उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया कि नहीं भाई, कल टीम इंडिया हारी बहुत ज्यादा बुरा लगा, और मैंने जो आज का व्लॉग डाल रखा उसमें सारी पब्लिक कमेंट करने लग रही है कि भाई तुम अर्शदीप को बोल रहे हो कि उसी की वजह से हारे। ऐसा नहीं है, वो एक कारण था, मतलब कि वो एक रीजन बना, बट और भी बहुत सारे रीजन थे भाई। भूवी ने भी 19 रन दिए लास्ट ओवर, सेकंड लास्ट ओवर में, और हार्दिक पांड्या भी नहीं चला, हार्दिक पांड्या भी मतलब खूब पिटा। बहुत सब सबकी थोड़ी थोड़ी गलती है, बट हम ऐसे नहीं कर सकते ना किसी एक प्लेयर को, और ना मैंने किसी को बोला टारगेट करा पर्सनली कि भाई अर्शदीप की वजह से हारे। तो प्लीज भाई मेरे को ऐसा कुछ मत बोलो यार, आई लव हिम। मैं पूरी टीम इंडिया से प्यार करता हूँ भाई यार, चाहे उसमें कोई भी हो। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि मैं किसी को हेट कर रहा हूँ या किसी को दोष दे रहा हूँ। सारे भाई हैं, सब अच्छा लगते हैं देख के मुझे, और कल हारे उसका। वही इरफान पठान ने अर्शदीप को लेकर एक ट्वीट किया है कि अर्शदीप इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्टडेट हुआ बॉय। वही तन्मय भट्ट ने एक ट्वीट किया कि अर्शदीप के मैनेजर अब ट्विटर और इंस्टाग्राम अपने फोन से डिलीट कर रहे हैं उनका, तो ये भी अर्शदीप को बेसिकली ट्रोल ही कर रहे हैं। वही ओल्ड न्यूज के मोहम्मद जुबेर के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है कि उन्होंने अर्शदीप को खालिस्तान नैरेटिव बताया, तो पुलिस इनकी कभी भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। वैसे एक केस छोड़ने के कारण उनको खालिस्तानी बताना गलत बात है। वैसे उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की थी। हम अर्शदीप को सपोर्ट करते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। अंजलि न्यू अपडेट की बात करते, कल बेंगलुरु में एक इवेंट हुआ था अन अकेडमी की तरफ से, तो वहाँ काफी सारे यूट्यूबर्स को बुलाएगा, जैसे फ्लाइंग बेस्ट यानी गौरव तनेजा, मित पैट, सौरव जोशी, अभिजय मोहन और काफी सारे यूट्यूबर्स वहाँ देखने को मिले। Hey guys, I am at the Unacademy One event. जो अनअकैडमी की सारी टीम और सारे रिक्रूटर्स ने साथ में मिलकर ली, बट ये कोई आईआईटी का फेस्ट नहीं। हम आ चुके हैं अनअकैडमी वन इवेंट पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।